जी को आपका क्या नाम है? मेरा ब्रजमोहन विजय। आपके बाबा पिताजी के बंदरों ने काटा, क्या हुआ था? पूरे हाँ वो दरवाजे पर ही टहल रहे थे, बराबर वाले मकान के सामने ही उनको घेर लिया और घेर कर उनको इतनी बुरी तरह काटा कि 8 जगह उनके घाव हैं, जिसमें 4 घाव तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जिनमें वो मांस तक ले गए नोच के। तो मंदिर की अस्पताल स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। फिर उनको रामकृष्ण मिशन ले गए, रामकृष्ण मिशन में भी जवाब दे दिया कि साहब इसका कोई व्यवस्था है नहीं। फिर 2-3 डॉक्टरों को बुला के उनकी पट्टी अट्टी सब कराई हुई है, अभी भी चल रही है, समय पट्टी हो रही है, वैक्सीन लग रही है, सारे काम हो रहे हैं। बुजुर्ग अवस्था है, लेकिन जिस तरह से बंदरों ने अटैक किया है। हाँ, 93 साल की उम्र होने के बावजूद भी, हाँ 93 साल की उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी हिम्मत रखी। नहीं तो कोई, वो खुद भी कह रहे थे कोई मेरी जगह कोई दूसरा होता तो क्या स्थिति उसकी होती, जितना मुझको कष्ट है। तो कष्ट तो बहुत है इतनी अवस्था में। अब आप लोगों को लगता है कि घर से हम निकलते तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि बंदर ना आ जाए पीछे? सबको डर रहता है। हमने, मेरे तो अपने जो नाती है, मेरा जो बड़ा बच्चा है उसको मैंने इसीलिए, या कुछ और भी कारण रहे, साथ में ये भी कारण रहा कि बंदरों से बहुत परेशानी होने के से उसको मैंने कोटा शिफ्ट कर दिया है। वो बच्चे रोज पढ़ने जाना, ट्यूशन जाना, कितनी दफे आना जाना, अब कैसे जाए बच्चे, बच्चों के साथ बहुत परेशानी थी। बंदर अब आप लोगों के घर छुड़वा रहे हैं? बिल्कुल, ये स्थिति हो गई है कि वो तो नरभक्खी से हो गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं कहता हूँ क्या होगा, क्या बिल्कुल घर से निकलना बंद करेगा आदमी या क्या करेगा? हर घर की स्थिति है अब तो, औरतें मंदिर जाने से भी कतराती हैं, सब स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, लेकिन प्रशासन और वो कुछ करता नहीं है। देखो क्या करेगा तो क्या होगा।